आपका 2000 बैलेंस। नहीं, 5000 भेजा था, 1000 बैलेंस है। आप खाता बुक ऐप डाउनलोड क्यों नहीं करते हैं? आपके कस्टमर्स कोलकाता से और चेन्नई से भी है ना? हाँ। तो खाता बुक ऐप अभी 11 भाषाओं में है। अच्छा, खाता बुक ऐप, अब खाता हुआ खाता बुक। दिल्ली हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा 22 हो गया है, जबकि 200 लोग घायल हैं। उधर हिंसा के चलते दिल्ली से लगे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। 4 इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इसी बीच दिल्ली हिंसा में मारे गए बुलंदशहर के शाहिद की डेड बॉडी अब तक उनके परिजनों तक नहीं सौंपा गया है। परिवार वालों का कहना है कि शाहिद का किसी भी हिंसा या प्रदर्शन से कुछ लेना देना नहीं था। वो तो वहाँ ऑटो रिक्शा चलाने का काम करता था और गलती से हिंसा वाले क्षेत्र में पहुंच गया। शाहिद की मौत के बाद उसके घर में मातम पसरा हुआ है। घर वालों का आरोप है कि मृत्यु के 3 दिन बाद भी उन्हें शाहिद का शव नहीं दिया गया है। मेरा परिवार बहुत परेशान हो रहा है, रात दिन बिल्कुल परेशानी है, बिल्कुल खाना पीना कुछ नहीं खा रहे, वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। बस भाई को देखने के लिए तरस रहे हैं वो। इस वक्त सब लोग बेहाल हो रहे हैं इस वक्त, और कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। वहाँ पे भी जहाँ हॉस्पिटल में है वो, वहाँ पे भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 3-4 रोज हो गए, शाम 4 बजे की बात है ये, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हाँ जी, टीवी अस्पताल में, वहाँ पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही अभी तक। क्या कोई ब्रांच आएगी, क्या ये आएगा, वो आएगा, क्या वो डॉक्टर आएंगे, अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है। वहाँ पर मेरे भाई लोग भी फंसे हुए हैं, 3-4 लोग हैं, अभी तक कुछ नहीं हो रहा। वो परेशान है वो भी, और यहाँ पर भी परेशान है सारे लोग। बहुत बुरा हाल है। और वो ऑटो चला रहा था और वो घर पे आ रहा था, उसे रास्ते में पकड़ लिया, उसके गोली मार दी। वो अस्पताल में ही है, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, और यहाँ पे भी सब लोग परेशान है। और हिंदू मुस्लिम की जो एकता है वो चलती रहे, सही सलामत रहे भाई। हिंदू मुस्लिम से कोई हमें वो एलर्जी नहीं है, हमारा भाई हमें लौटा दो बस जल्द से जल्द। हाँ जी, हाँ जी, कब तक चलेगा हिंदू मुस्लिम, हमें तो समझ में नहीं आ रहा क्या करा जाए। NRC क्या है क्या, और NRP क्या है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस हमारा भाई हमें लौटा दो, चला गया वो, चला गया। यहाँ पर सब लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि शाहिद के परिवार वालों ने लोगों से अपील की है कि हिंदू मुस्लिम एकता की मसाल कायम रखें और आपसी भाईचारे को बरकरार रखें। 3 दिन से रो रहे हैं भाई, अभी तक बेटा की लाश नहीं मिली। कोई ऐसी क्या खता करी उसने, से उसको जो ले गए मार दिया वो, उसकी मट्टी तो दे दो भाई। बहुत परेशान है हम, रो रो के हमारा बुरा हाल हो रहा है। हिंदू मुसलमान हैं क्या, कब तक चलेगा, कब तक चलेगा ये हिंदू मुसलमान का ये झगड़ा। हम बहुत परेशान हैं, इतनी परेशानी हमको देनी नहीं चाहिए। गरीब आदमी हम, अपना खाने कमाने के लिए गए मजदूर आदमी हैं हम, ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ में। राड रेवा हैं हम, दोनों बहन विधवा हैं, हमारा कोई कमाने वाला नहीं, बच्चे का सहारा वो भी चला गया हमारा। बुलंदशहर के DM ने इस मामले पर संज्ञान में लेते हुए मृतक के परिवार वालों से मिले और उन्हें हर संभव मदद करने की बात कही। देखिए, दो बातें हैं। पहला तो यह है कि आसपास के जिलों में इंक्लूडिंग दिल्ली कानून व्यवस्था की हालत बिगड़ गई है, उससे यहाँ के लोगों में भी हमने सुना कि भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरफ जहाँ पुलिस प्रशासन अलर्ट है, जोनल सेक्टर सब सेक्टर मजिस्ट्रेट एक्टिवेटेड है, वहीं हम लोग थाने स्तर पे, जैसे कल खुर्जा में गए थे, आज हम लोग ने 2:30 बजे प्लान किया था कि जनपद के समस्त गणमान्य जो सामान्य मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनसे बात करेंगे। तो एक तरफ जहां प्रशासन चौकन्ना है, वहीं दूसरी तरफ हम लोग लोगों से बात करके अपील कर रहे हैं। जहां तक आपने पूछा कि दिल्ली में यहाँ के मूल निवासी जिनका देहांत हो गया है या जो घायल हो गए हैं, तो अभी एक मृतक दुबई से हैं, दूसरे जहांगीराबाद से हैं। तो अभी मैं और कप्तान साहब वहीं जा रहे हैं, उनके परिवारजनों से मिलेंगे और उन्हें जो भी प्रशासन की तरफ से जरूरी मदद है या उनके मन में जो भ्रांतियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाए। बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून को लेकर भड़की सांप्रदायिक हिंसा में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर बुधवार को 22 पर पहुंच गई है। GTB अस्पताल के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। बुलंदशहर से मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, UP तक।